स्वागत है आपका फास्ट समाचार में। मैं हूं आदाब खान और वक्त हो चला है आज की तमाम ताजा खबरों से आपको रूबरू कराने का। केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल क्षेत्र में लाए जा रहे नाइट अध्यादेश को लेकर आईएमए के डॉक्टर लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। वहीं लोकसभा में बिल पास होने के बाद राज्यसभा में बिल को रोकने के उद्देश्य से और इससे पहले होने वाले नुकसान को बताने के लिए आईएमए से जुड़े तमाम निजी और सरकारी डॉक्टरों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इस हड़ताल का विदिशा में भी असर देखने को मिला। वहीं सुबह सवेरे सरकारी और निजी अस्पताल के डॉक्टर इकट्ठा होकर रैली की शक्ल में मुख्य मार्गों से गुजरकर इस बिल का विरोध जता रहे थे। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एनएमसी बिल के खिलाफ में पूरे ऑल ओवर इंडिया नॉन एसेंशियल सर्विस बंद की है। उसके समर्थन में आईएमए विदिशा ब्रांच ने भी नॉन एसेंशियल सर्विसेज आज 24 घंटे के लिए बंद का आह्वान किया है और हम लोग इसके समर्थन में आज यहां पर बंद किया है। विरोध में एनएमसी बिल के विरोध में हमने बंद किया है। और एनएमसी बिल क्या है जो कि लोकसभा में पास हुआ है उसको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स इसमें जो लोकसभा में है राज्यसभा में उनके द्वारा ही विरोध किया जा रहा है। लोकल लेवल पे आईएमए के द्वारा ये और मेडिकल कॉलेज के एसोसिएशन के माध्यम से स्टूडेंट्स के माध्यम से इस बिल का विरोध कर रहा है। ब्यूरो चीफ विजय विद्रोही की रिपोर्ट।